गाइज़ ये आज मैं दूसरी वीडियो अपनी पोस्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने हेल्थ एक्सपी से एक प्रोडक्ट मंगाया है डायमेटाइज का। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। इससे पहले भी मैंने गुरुमान सर का एक प्रोटीन मंगाया था जीएम न्यूट्रिशन से, तो उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने पोस्ट कर दी, शायद आप लोगों ने देखी होगी। तो चलो आज बात करते हैं इसकी, हेल्थ एक्सपी से जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये जो मैंने मंगाया है ये डायमेटाइज का एलिट है। इसमें और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप चाहे तो आप आइसोलेट भी ले सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आपके गोल्स क्या हैं उसके अकॉर्डिंग। तो देखते हैं, तो पैकिंग तो इसकी अभी तक तो ठीक लग रही है। तो सबसे पहले इसका हम इम्पोर्टर चेक कर लेते हैं। मैंने इसकी साइट पर चेक करा था, इसके दो ही इम्पोर्टर हैं, तो जिसमें से पर्ल इंटरनेशनल का भी नाम है, आप चेक कर सकते हैं। इसकी डेट ऑफ इम्पोर्ट लिखी है यहाँ पे, अगस्त 18। ठीक है, तो एक बार इसका लेबल बैक पे चेक कर लेते हैं हम। आप जब भी प्रोडक्ट लें, इसमें ये ज़रूर चेक करें कि इसकी जो इस पर हमेशा आपकी जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है और एक्सपीरेशन डेट दोनों अवेलेबल होगी, और दोनों में करेक्ट 24 मंथ्स का वो गैप होना चाहिए। इस पर इसकी प्लांट आईडी दे रखी है, आप देख लीजिए यहाँ पर। मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी फेबररी 2018, और एक्सपीरेशन डेट भी है फेबररी 2020। प्रॉपर 24 मंथ का गैप है इसमें। इसका लेबल चेक कर लेते हैं हम। 63 इसमें आपकी स्कूप्स में लिखे हैं सर्विंग, जो इस कंटेनर में है। इसका स्कूप साइज़ है 36 ग्राम का। ठीक है, तो इसमें आपको यह चेक कर लीजिए। देखिए इसमें प्रोटीन आपको 25 ग्राम मिलता है, कैलोरीज इसमें 140 ग्राम्स, इसमें आपको कार्ब मिल जाएंगे 3 ग्राम्स, इसमें फ़ैट भी है गाइस, ये ट्रांस फैट नहीं है, सैचुरेटेड फ़ैट है 2.5 ग्राम। इसमें शुगर है, तो आप ये एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा इसको लेने से पहले। इसमें BCAAs अवेलेबल है 5.5 ग्राम, और इसमें ल्यूसीन भी आपको मिल जाएगा, जो कि रिकवरी के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो एक बार इसका बार कोड चेक कर लेते हैं यहाँ पर हम। आप देख लीजिए यहाँ लिखा है मेड इन USA फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इंग्रेडिएंट्स। तो इसके लेबल में चेक करते हैं क्या है इसमें। आप देख लीजिए इसमें ट्रांस फैट 0 है, सैचुरेटेड 1.5 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल है इसमें 25%, सोडियम 135 mg, पोटाशियम है इसमें। चलो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एक बार हम। इसको एक बार इसकी अनबॉक्सिंग करें, इसमें आप ये ज़रूर चेक करें इसका लेबल लूज ना हो। कंपनी एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है, जैसे कि आपका जो अंदर प्रोटीन है या अंदर जो भी इंग्रीडियंट वो बाहर ना हो। तो इसको आप चेक कर लीजिए लूज ना हो। ये जो मैंने ऑर्डर करा है ये थोड़ा सा लूज निकल रहा है मेरा यहाँ से। तो इसकी पेस्टिंग ठीक है, कंपनी कहती है कि बिल्कुल पेस्टिंग टाइट होनी चाहिए, बट यहाँ से जो हेल्थ एक्सपी से मैंने लिया इसमें थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ओपन मिला है। बाकी एक बार इसको पूरा ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। जो मैंने फ्लेवर ऑर्डर करा है ये रेड चॉकलेट है, तो फ्लेवर आप अपने अकॉर्डिंग ही ऑर्डर करिए, जैसा आपका टेस्ट अगर आपकी प्रेफरेंस है तो। इसमें बहुत चॉकलेटी फ्लेवर है इसका जो है। स्कूप इसमें मुझे अभी तो नहीं दिख रहा, इसमें होगा ज़रूर। स्कूप शायद इसमें बहुत नीचे होगा, तो अभी मुझे नहीं मिल पा रहा है। एनीवेज अभी तक तो प्रोडक्ट मुझे ठीक लग रहा है। बाकी इसकी मिक्सिबिलिटी की वीडियो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा, इसका टेस्ट कैसा है, इसकी मिक्सिबिलिटी कैसी है, और इसकी प्रॉपर ऑथेंटिसिटी मैं आपसे चेक करूँगा, शेयर करूँगा आपसे ज़रूर चेक करके। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।